पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई। मैनपुरी पार्टी कार्यालय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। आइए जानते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से मनाया है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी जो है वो संघर्ष के प्रतीक रहे हैं और उनके अनुयायी के रूप में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको हमेशा फॉलो किया, उनकी नीतियों पर चले और उनको आदर्श मानते हुए उसी शैली में कार्य किए। हम इस बात पर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय, जो संघर्ष और सरलता के प्रतीक माने जाते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी के पदचिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपनी गति को बहुत बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत तेज हो गई हैं, सभी विधानसभाओं पर हमारे सभी जुझारू कार्यकर्ता लग गए हैं। इसी क्रम में 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक गांव-गांव प्रस्पा जन के पांव, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम बहुत सामान्य रूप से बिना अपनी फोर व्हीलर गाड़ियों के पैदल अपने उन गाँव वासियों के बीच पहुंचेंगे, जिनके बीच हम पार्टी की नीतियों और आदरणीय शिवपाल जी के संघर्षों को बताएंगे। और मैं इस सुखद पल में आज उनकी चूंकि जयंती है, उस पर हम ये बात दृढ़ संकल्प के साथ कह सकते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चलने का काम सदैव करते हैं और करते रहेंगे। जन्मोत्सव मनाया है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया है और आगे 2022 के चुनाव में कैसी तैयारी चल रही है पार्टी की? आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की जयंती के पर्व पर एक किसान संघर्ष दिवस के रूप में कार्यक्रम मना रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में 24 दिसंबर से गांव-गांव पांव-पांव का कार्यक्रम हमारे पार्टी 6 दिन का दिसंबर में कार्यक्रम है और उसी तरीके से 2 चरण आगे 17 से 25 तक और 24 से 29 तक ये 3 चरण उनके हमारे पार्टी के निर्देशन पर चौधरी चरण सिंह के पदचिन्हों पर चलते हुए हम गांव-गांव उनकी आवाज़ को किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे।